हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि भोरंज उपचुनाव में मिली हार पर थोड़ा असर टिकट बदलने का भी रहा है। मंडी स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कौल सिंह ठाकुर ने भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली हार पर दुख जताया। मंडी स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले टिकट किसी और को दिया गया था और बाद में हाईकमान ने इसमें बदलाव कर दिया, जिसका भी थोड़ा असर परिणामों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि भोरंज पर बीते 27 वर्षों से भाजपा का कब्जा है और पूर्व विधायक स्वर्गीय आईडी धीमान के बेटे को ही भाजपा ने वहां से अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने कहा कि लोगों ने सहानुभूति के आधार पर भाजपा प्रत्याशी को अपना वोट दिया है और वह जनता के फैसले का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। हमें दुख हुआ है भोरंज के उपचुनाव में, लेकिन उसमें पहले टिकट एक को दिया, फिर टिकट बदल दिया और ये मैं नहीं जानता कैसे हाईकमांड ने फैसला किया है। उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा फर्क पड़ा होगा लेकिन ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ा। लेकिन ये 27 साल से सीट लगातार बीजेपी के पास थी और बीजेपी के ही श्री आईडी धीमान की डेथ हुई थी। अब नेचुरली उनके बेटे को जो है लोगों में हमदर्दी तो होती है, तो उनके बेटे को जो है लोगों ने वहां से चुन करके भेजा है। हम जनता के और मतदाताओं के फैसले का स्वागत करते हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भोरंज पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का ही इलाका है, इसलिए भी भाजपा प्रत्याशी को वहां से जीत मिली है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव का आने वाले विधानसभा चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों पर प्रदेश की जनता एक बार फिर से अपनी मुहर लगाएगी और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से सत्ता पर भारी बहुमत के साथ काबिज होगी। इस परिणाम का कोई असर आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीट 27 साल से उनके पास थी और धूमल साहब का एरिया है वो खास तौर पे, इसलिए इसका जो है अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो हमने थोक में विकास हिमाचल प्रदेश में किए हैं, विकास के नाम पर जो है हम दोबारा सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।